फेरवा से पश्चिमबंग निर्वाचन खबर को पुणि थे प्रदीप्त पाखक जावाक चाहिए। प्रदीप्त आपड़ जो भाव कहते आपन जो निर्वाचन मंडली रही जोठान कि भोट बर्तमान सुरखुरी जदिव चली लोकों प्रतिक्रिया किसी शुणीपर कि प्रदीप्त संभव हो निश्चित भाव में आम लोक एटी किसी अपेक्षा करोट देवाई प्रतिक्रिया ने चेस्टा करवा मुझसे क्या बोलेंगे आपने भोट दिया अभी नहीं दिए हैं। तो अभी कैसा लग रहा है आपको इस साल का जो चुनाव है ये अलग चुनाव अलग कितना अलग है पिछले जो चुनाव हुए सब 2016 में 11 में? अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है। हाँ शांति है इस बार, और नहीं तो हर बार तो वोट तो दूसरा कोई मार देता था, हम लोग देने नहीं पाते थे ना। अब की बार बहुत शांति है। पिछले बार वोट दिए थे? हाँ पिछले बार वोट दिए थे, उसके पहले वाले में झमेला हो गया था। हाँ सर सुरक्षा व्यवस्था कितना अच्छा है? सुरक्षा कितना है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है की बार, बहुत अच्छा है। पहले से बहुत हाँ पहले से बहुत बढ़िया है। हाँ अभी एक जन को जाने दे रहे हैं अच्छा से एकदम, मतलब अपना मन से वोट दो, बहुत अच्छा सुरक्षा अभी बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसा सुरक्षा है, नहीं तो पहले हम लोग डर जाते थे वोट के नाम से ही डर जाते थे कि कैसे हम लोग जाए, कौन जाएगा एक वोट के लिए जानते नहीं जाए। दहशत बहुत था, बहुत 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 डर लगता था। हम लोग तो घर में रहते थे लेकिन वोट पहले ही सुन हो जाता था, लेकिन अभी हम आते थे हम लोग का वोट पड़ जाता था। और घर में रहते थे वोट पड़ जाता था? हाँ वोट पड़ जाता था, और डर से हम लोग आना नहीं चाहते थे कि आपको मिलिट्री का फौज सब दिया जाएगा, आप लोग का सब मतलब सुरक्षित दिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग भी साहस करके आए हैं कि हम लोग भी अपना मन मर्जी वोट करेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि मतलब महिला जिसको वोट देती हैं, जिस जो प्रार्थी हो या वो जो दल हो, तो वो ज़्यादा दमदार होता है, उनका बढ़ जाता है बीजेपी। ठीक है, तो यहाँ पे तबे निवेदिता आम शुणुले जहाँ जे एटी आगुरी लोक मैंने भय करुले भोट देवाई भय करुले घर बाहर अर्थात भोट ग्रहण देवाई जो आसुले से आगुरी भय करुले, कि एथर सुरक्षा व्यवस्था अति सुव्यवस्थित ढंग से होपर भाव जड़े पर जड़े भितर को जी भोट देवे से भोट दे कि आसबे सेवर्त समय जड़े भोट दे सारापर एटी रही अनुमति मिले ना, तेणु एटी मैंने अपेक्षा कर पाड़ी जिते आसने भोट देवाई भितर को जी सहित से जहाँ कहते आगुरी बहुत कंदल होता है बहुत गंडगोल होता है, किंतु से परिस्थिति एवं ना एवं किछटा परिवर्तन मुहर आम जहाँ शुणापी शुणुले किछटा परिवर्तन से आहरी भोटर अच्छा प्रतिक्रिया जी क्या बोलेंगे इस बारी आपको ये चुनाव कैसा लग रहा है? ये चुनाव तो ठीक ही है, ठीक ही लग रहा है, खराब तो नहीं। अभी तक ले तो व्यवस्था ठीक है, कुछ कुछ सीआरपीएफ ने कुछ कुछ जगह में वो लोग समझ नहीं रहा, जहाँ पर बांग्ला भाषा भाषी है वो लोग क्या बोल रहा है वो लोग नहीं समझ रहा है, तो समझने का मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत काम बिगड़ जा रहा है। भाषा का थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत, यहाँ का बंगाली भाषा जो है बहुत सेना लोग है वो समझ नहीं रहा, तो वो लोग क्या कर रहा है वो लोग समझ नहीं रहा, वो लोग को हटा दे रहा है, उसमें बहुत आदमी वोट भी नहीं दे सकता, डर का मारने में बहुत भी आदमी नहीं आ सकता है। लेकिन जैसे हम लोग भाषा समझते हैं हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन बंगाली दोनों जानता है। जो वो लोग क्या कर रहा है उनका समझ में उसका भी कोई दोष नहीं है इसमें, का भाषा का अंतर बहुत गिर गया यहाँ पर, ये पूरा बंगाली भाषा है, जहाँ पर भाषा का लिए बहुत फर्क पड़ रहा है, उन लोग जब भाषा नहीं समझ रहे तब वो लोग को हटा दे रहा है, कुछ देख नहीं रहा, वोट देने नहीं सक रहा है। अब इस साल के चुनाव से आपको क्या आशाएं हैं? इस साल का चुनाव से तो आशा तो देखिए जैसा हो रहा है, इलेक्शन चार दफा इलेक्शन हो चुका है, अभी तक ले तो जो लग रहा है जो सुन रहे जैसे आप लोग सबका बातों में सुन रहा है, हम भी एक तो मोहल्ला में रहते हैं, हम भी बाली वासी है, तो उनका अंडर में हम बोल रहे हैं जहाँ हम लोग का यहाँ पर टीएमसी आने से ज़्यादा ये है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तबे आम सहित प्रतिक्रिया जहाँ नौले कि भाषार जेहेतु अंतर रही तेणु जो सुरक्षाकर्मी रही भाषा बुझीपार ना नहीं किटा द्वंद्व सृष्टि होथापि शांति श्रृंखलार सहित भोट चली जो भोट दान को लेकिन प्रार्थी चयन को लेकिन मन इच्छा से मैंने भोट दौरान किटा मिश्र प्रतिक्रिया आसूची किसी शासक दल को चाहूँ किसी विरोधी दल को चाहूँ यहपर भाव भोट ग्रहण चली तेज आगामी समय नवेदिता निहत भाव में आम आहरी भी विभिन्न बूथ रू आप चित्र देखू से किपर भाव भोट ग्रहण होबे आहरी मैं जड़े वयोज्येष्ठ अच्छा भोटर अच्छा प्रतिक्रिया ना जी क्या बोलेंगे इस बार जो इलेक्शन हो रहा है चुनाव हो रहा है इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे? अभी तक तो शांति से चल रहा है, कोई सुबह से शांति से चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अभी बाकी है, अभी तो पूरा बाकी है, कब क्या होगा कोई ठीक नहीं है। इधर में शांति से होगा, इस साइड में शांति से आप चले जाइए रेलवे कॉलोनी में, वहाँ देखिए क्या है, उधर में जाइएगा तो केस ज़्यादा दिखाई देगा, इधर में नहीं दिखाई देगा। अच्छा इधर में बेलूर में कोई गन बेलूर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वोट दे चुके हैं तो दिखाइए तो आपका वोट आपने मतलब इस ये जो चुनाव है आपको आप क्या सोच के वोट दिए कुछ? देखिए यहाँ पर जो वोट हम लोग दे रहे हैं हम लोग किसी को भी वोट दे देते हैं, हम लोग का कोई फायदा नहीं है, हम लोग को खटना ही पड़ेगा नहीं नुकसान कुछ हम लोग को खटना ही पड़ेगा, खट के खाना पड़ेगा, ऐसे कोई ये नहीं है। बस ये आया तो थोड़ा रास्ता बनाया, थोड़ा पानी दिया और सब क्या देंगे, सब परिश्रम तो अपना करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। हमें जहाँ आलोचना करते जो वयोज्येष्ठ भोटर थे से भोट दे सारे से जहाँ कहते सेमती कौन सी प्रसंग को लेकिन मुद्दा को लेकिन से भोट दौना से भोट दे दौंती जेकोसी भी दल आसू जेको सरकार आसू जी अंचल विकास करें चयन करें चयन करेंगे प्रदीप्त कहुपे जो मोटामोटी भाव वर्तमान सुधा शांति श्रृंखलार सहित समस्ते आसुंच गणतंत्र महापर्व में निजक सामिल करज इच्छा मुताबक प्रार्थी देखी से भोट दे बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त महापात्र आम प्रतिनिधि सदाशक वेस्ट बेंगल अर्थात पश्चिम बंगलु आमको पूरा बूथ चित्र देखा।